पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू समेत सभी चुनावी राज्यों वाले प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी 5 में से एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। सिद्धू ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की जैसी इच्छा थी वैसा ही मैंने किया है। कांग्रेस पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 18 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को खुद अमृतसर ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव हरा दिया। कांग्रेस की हार के बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में कलह पैदा हो गई है। इस बीच पार्टी के G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर बैठक करेंगे। बैठक से पहले गांधी परिवार को शिवसेना का साथ मिल गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में गांधी परिवार का समर्थन करते हुए G23 नेताओं की तुलना सड़े हुए आम से की है। सामना में शिवसेना ने लिखा, G23 का समूह सड़ा हुआ आम है, लेकिन कांग्रेस संगठन को आज गांधी ही चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पराजित हो गए, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस ने फिर से हरीश रावत जैसे पुराने नेता को बागडोर सौंपकर बीजेपी को आगे के लिए गति दे दी है। वो खुद चुनाव हार गए। श्रीनगर के नौगांव इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि नौगांव में खानमोह के सरपंच समीर भट्ट की हालिया हत्या में शामिल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर TRF के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बल सरपंच की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश में थे। सुरक्षा बलों ने सुबह इन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद ये फायरिंग मुठभेड़ में तब्दील हो गई, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है।